जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के अंदर हमारे पास एक और मुफीद टूल है और उसको हम रिबन कहते हैं। रिबन जो है एप्लीकेशन विंडो जो है उसके अंदर नजर आता है, कि आप देख सकते हैं होम के नीचे आपके पास ये रिबन मौजूद है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट सेक्शन, होम टैब के अंदर। इसी तरह रिबन के अंदर आपके पास जो टैब्स हैं वो हैं इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस। ये सिर्फ ट्रांजिशंस जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में है। एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के अंदर आपके पास अगर आप चाहें रिबन को छुपा सकते हैं किसी भी टैब पर डबल क्लिक करके। तो मसलन मैं होम के ऊपर अगर डबल क्लिक करूं तो मेरी रिबन जो है वो छुप जाएगी। इसी तरह अगर मैं रिबन को दोबारा देखना चाहूं तो मैं होम को क्लिक कर दूंगा तो मेरी रिबन दोबारा विजिबल हो जाएगी। इसी तरह रिबन के अंदर आपके पास मुख्तलिफ कमांड फंक्शंस हैं, जिस तरह के कॉपी, पेस्ट और नई स्लाइड अगर आप डालना चाहें। और हर कमांड फंक्शन के नीचे आपके पास डायलॉग बॉक्स की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने मुख्तलिफ डायलॉग बॉक्सेस खुल जाएंगे जो हम बाकी लेसन्स में देखेंगे। अगर आप किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो अगर फर्ज किया मैं प्रेजेंटेशन के अंदर इसको सिलेक्ट करता हूं तो आपके सामने कंटेक्सुअल टैब्स खुल जाएंगे। जिस तरह अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ड्राइंग टूल्स लिखा आ रहा है और उसमें मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस बनी आ रही हैं मेन्यूज, बॉक्सेस और कमेंट्स की शक्ल में। तो ये है रिबन और इसका फंक्शन कि हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। हम आगे डिटेल में देखेंगे कि हर फंक्शन को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं।